नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खेसारी लाल यादव की फिल्म 22 सितंबर से सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिस फिल्म का नाम लाडला तू है। बिहार, झारखंड के अलावा इस फिल्म को मुंबई और गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ पंजाब में भी रिलीज किया जा रहा है। और सिनेमाघरों की लिस्ट जो है वो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बिहार एवं झारखंड के तमाम सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो वहीं मुंबई और गुजरात में भी कई सारे सिनेमाघरों में लाडला टू फिल्म को लगाया जा रहा है। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी लाडला टू को बढ़िया तरीके का स्पेस दिया गया है, तो वहीं पंजाब के भी एक सिनेमाघरों में इस फिल्म को लगाया गया है। तो अगर आप लोग इस सिनेमाघरों के करीब हैं तो आप लोग जरूर जाकर जो है इस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन इस कड़ी में सबसे ज्यादा जो नजरें टिकी हुई है वो बनारस की टिकी हुई है। आपको पता होगा कि आनंद मंदिर वाराणसी, आनंद मंदिर जो सिनेमाघर है वहां पर खेसारी के फिल्म को देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं, और वहां पर जो क्राउड इकट्ठा होता है वो सच में काबिले तारीफ होता है। और उस सिनेमाघरों की जो फिल्म होती है वो वाकई रिप्रेजेंट करती है कि ये फिल्म कितनी अच्छी बनी है, और भीड़ रिप्रेजेंट कर देता है कि ये फिल्म कितना ज़्यादा कमाल की करने वाली है। तो आनंद मंदिर में 22 सितंबर से भी इस फिल्म को लगाया जा रहा है। तो जो भी वाराणसी से हैं इस फिल्म को देखें, इंतजार रहेगा कि वीडियो कब आए ताकि देख सकें कि यहां का क्या रिस्पॉन्स है। रोजाना 400 जो है लाडला टू का लगने वाला है। पहला शो 12:30 बजे से है, दूसरा शो 3:30 बजे से है, तीसरा शो जो है 6:30 बजे से है, और चौथा शो जो है 9:00 बजे, यानी कि 4 शो जो है बनारस के आनंद मंदिर सिनेमाघरों में लगने वाला है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये चारों जो टाइमिंग का लिस्ट है क्या सच में फुल हो पाता है, खेसारी को यहाँ से कितना प्यार मिलता है, और यहाँ का अगर प्यार क्राउड में तब्दील हो जाता है तो माना यह जाता है कि फिल्म अच्छी है और अच्छा रिस्पॉन्स बाद में कर सकती है। अब देखना ये होगा, बाकी जैसी जानकारी है मैं बताऊंगा। बाकी आप जाने के नहीं फिल्म देखने के लिए, ये बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।